तुलसी नमस्कार। आज का जो मेरा ये वीडियो है बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इसमें मैं नेक की कुछ सिंपल एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, जो एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लाइफ में। क्योंकि लाइफ में, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सब लोग स्ट्रगल करते हैं, सब लोग अपने बिजनेस, काम, धंधे सब में स्ट्रगल करते हैं, पर कुछ ही लोग सक्सेस की ओर पहुंच पाते हैं। तो ये स्पेशल वीडियो है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और इसमें करने को ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सी एक्सरसाइज है। बट इस सिंपल सी एक्सरसाइज का मैं साइंटिफिक रीज़न बताता हूँ आपको, क्योंकि जो हमारे गर्दन है, इस गर्दन से हमारे मस्तिष्क के पूरे नर्व गए हुए हैं और वो यहाँ पे काम करते हैं, जिसकी वजह से हम हमारे डिसीजन, हमारे किसी भी प्रकार के जो भी डिसीजन है, हम पॉजिटिव मतलब परफेक्ट ले सकें। तो जब हम कोई भी डिसीजन, हमारी लाइफ के डिसीजन, हमारे काम धंधे के डिसीजन, हमारे किसी भी प्रकार के डिसीजन यदि हम परफेक्ट लेते हैं, तो हमें सक्सेस तक पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। तो ये स्पेशल जो मेरा वीडियो है, स्पेशल नेक की एक्सरसाइज के लिए है। अब ये तो बात हुई एक सक्सेस के लिए, कि सक्सेस के लिए यदि हमारा माइंड बिल्कुल प्लेजेंटनेस रहे, मतलब पूरा प्रॉपर एकदम परफेक्ट रहे, तो हम कोई भी डिसीजन बिल्कुल परफेक्ट ले सकते हैं। अब दूसरी बात हेल्थ को लेकर है, कि कुछ लोगों के नेक में हमेशा पेन बना रहता है, क्योंकि उनकी सोने का जो तरीका है वो हो सकता है गलत होगा, या और भी कई प्रकार की चीज़ें होती है, किसी की कुछ चीज़ें को उठाने से, कुछ काम धंधे करने से नेक में मोच आ जाती है, तो इस प्रकार से कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो ये गर्दन हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, तो इसका यदि हम ध्यान रखते हैं और इसको हम प्रॉपर एक्टिव रखते हैं, तो हमारा माइंड एक्टिव रहेगा, हमारा शरीर एक्टिव रहेगा। तो ये इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, और इसको करने के लिए कुछ भी नहीं, ना थकान होगी ना कुछ नहीं होगी, सिंपल सा टेक्निक है, उस तरीके से इसे करना है। तो आइए शुरू करते हैं। के बीच में मिनिमम 1 फीट का गैप रख लें। 1 फीट का गैप रखने के बाद मैं एक और बात आपको यहाँ पे कह देता हूँ, जो ये हमारा शरीर है, सीने से ऊपर का जो जितना भी भाग है, ये सीने से ऊपर का जो भाग है हमारे शरीर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाग है। इसी भाग के वजह से हमारा जीवन चलता है। बोले तो हम जो भी करते हैं, हमारा माइंड यदि असंतुलित रहे, तो हम कुछ भी रॉन्ग डिसीजन लेके हम कुछ भी गलत कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत ही मतलब हमारा यहाँ से इधर का जो एरिया है, हमारा जीवन को फुलफिल करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको पूरा हमें हमेशा प्रॉपर रखना चाहिए, जिससे हमारा जीवन प्रॉपर फुलफिल हो, प्रॉपर अच्छे तरीके से हम जी सकें, हमारे जीवन में नाम कर सकें, इस प्रकार से है ये। तो इसमें बीमारियां जो है, नेक गले के गर्दन के संबंधी जो भी बीमारियां हैं, वो बीमारियां भी ठीक हो जाती है। और इसमें मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ था, जिस एक्सीडेंट में यहाँ पे बहुत चोट आई थी, और डॉक्टर लोगों ने मुझे कह दिया था कि ये आप आराम आराम कीजिए, सिर्फ आराम कीजिए। लेकिन मैंने फिर ये जब से 2017 से जब मैंने योगा चालू किया, तब से
ये चीज़ों को धीरे धीरे करते 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 डेवलप करते आज मेरा ये नेक में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और एकदम परफेक्ट ठीक हो चुकी है। तो ये बीमारियों के ऊपर भी काम करती है और हमारा माइंड के ऊपर भी काम करती है। तो माइंड यदि हमारा संतुलित रहेगा तो हम कोई भी डिसीजन परफेक्ट ले सकते हैं और हमारे जीवन को एकदम संतुलित संतुलन से चला सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज की ये खासियत है और योगा साइंस में इसे उप योगा कहा जाता है, मतलब सब योगा, मतलब योगा करने के पहले हम यदि इसे कर लें तो योगा करने में हमें सरलता होती है। और इसे वार्म अप भी कहते हैं, इसे कुछ भी कह लीजिए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इससे हमारा माइंड 24 आवर्स प्लेजेंटनेस रहता है और हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो परफेक्ट होते हैं। हम अपने कोई भी गलत डिसीजन नहीं ले सकते, ये मेरा खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये दोनों हाथ को इस प्रकार से रख लीजिए। अब यहाँ पे ब्रीथ का बहुत अच्छा टेक्निक है। ब्रीथ पे यदि आप ध्यान देते हैं और करते हैं तो ये बिल्कुल आपको 100% सपोर्ट करेगा और आप बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन लेने में कारगर रहेंगे। तो ऐसा करने के बाद ये हाथ इस प्रकार से जाना चाहिए, इस प्रकार से, ऐसे ऐसे, और फिर वैसे ही रिटर्न, ऐसे ऐसे यहाँ पे आना चाहिए। तो ये है, जब हमारे हाथ इधर ऐसे जाएंगे तब हमको इन्हेलेशन करना है ऐसे करते हुए, और जब हम वापस आएंगे तब हमको एक्सहेलेशन करना है। तो इसमें मैं अभी आपको इन्हेलेशन एक्सहेलेशन करके दिखाऊंगा, जिसमें सांसों की आवाज़ आएगी क्योंकि मेरा माइक्रोफोन लगा हुआ है। लेकिन आप लोगों को तेज़ी से इन्हेलेशन एक्सहेलेशन नहीं करना है, जैसे मेरा वीडियो में साउंड आएगा तो उस प्रकार से नहीं करना है। एकदम नॉर्मल ब्रीथ से इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन करना है। तो चलिए, तो इस प्रकार से इस साइड में 3 बार करना है ऐसे। और इस पे ये ध्यान रहे कि हम जब ये हाथों को इस प्रकार से करते हैं तो ये ऐसा, कुछ लोग, मैं यहाँ पे जहाँ पे मैं योगा सिखाता हूँ वहाँ पे कुछ लोग इस प्रकार से कर देते हैं इस प्रकार से, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ऐसा लगे कि हमने कोई बहुत बड़ा पत्थर उठाया हुआ है या एक कोई पहाड़ हमारे सर पे आ गया है, हाथों पे आ गया है और उसको हम ऐसा पुश कर रहे हैं एकदम, बिल्कुल फुल टाइट हैंड, एकदम फुल टाइट होना चाहिए इस प्रकार से। और आते समय, रिटर्न आते समय भी फुल ऐसे टाइट रहना चाहिए, ये इसकी विशेषता है। एकदम ऐसा ऐसा करने से इसका उतना ज़्यादा प्रभाव आपको नहीं प्राप्त होगा, तो इस पे ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से 3 बार कर लिए। अब सेम इसी को सामने करना है, सामने 3 बार और ऊपर 3 बार और नीचे 3 बार, ये इसका सही विधि है, इस प्रकार से करना है। तो देखें, करते हैं।
तो इस प्रकार से करना है। ये हाथों की एक्सरसाइज हो गई, इसमें हमारे ये पूरे नर्व एकदम पूरे एक्टिव हो जाएंगे। मैं आपको अभी फिर से बता रहा हूँ, यहाँ से ऊपर का जो हमारा भाग है बहुत ही महत्वपूर्ण है, चेस्ट से ऊपर का। तो और ये हाथ तो इतने महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, उनमें इन हाथों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो ये हाथ हमेशा प्रॉपर एक्टिव रहना चाहिए, और इन हाथों का कनेक्शन बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ से रहता है, शोल्डर से रहता है। शोल्डर की कुछ भी बीमारी हो, वो शोल्डर की बीमारी ठीक होती है। तो इस प्रकार से ये करना है। अब चलिए नेक का चालू करते हैं। तो नेक का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि नेक आज का जो मेरा वीडियो है वो नेक के ऊपर ही है। तो यहाँ पे एक्सहेलेशन करते हुए जब भी हम हमारा सर नीचे की ओर आए तो एक्सहेलेशन करना है, और पीछे की ओर जाए तो इनहेलेशन करना है। इतना ध्यान रखिए। यहाँ सेंटर पर लाके छोड़ दीजिए। अब ये भी तीन बार करना है, ऐसा नीचे ऊपर तीन बार करना है। अब साइड बाई साइड करेंगे। इसमें इन्हेलेशन बाहर जाते समय इन्हेलेशन करना है, और सेंटर में एक्सहेलेशन करना है, ये ध्यान रखिए। और इन्हेलेशन करके रुक के जो थोड़ी सी एक्सरसाइज है वो मैं बता रहा हूँ, वैसा करना है। देखिए, तो इस प्रकार से इसको भी तीन बार करना है। अब दूसरा है हमारा जो नेक है उसको ऐसे टर्न करेंगे, ऐसे। उसमें भी ब्रीथ को जब टर्न करेंगे उधर तो इन्हेलेशन करना है, और सेंटर में एक्सहेलेशन करना है। तो ये ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से इसको भी तीन बार करना है, तीन बार इधर, तीन बार इधर, इस प्रकार से। अब इसको रोटेशन करना है तीन बार, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो देखेंगे कैसे करेंगे। इसमें यहाँ पे एक्सहेलेशन, फिर इन्हेलेशन करते हुए यहाँ तक इन्हेलेशन, फिर एक्सहेलेशन करते हुए यहाँ पे, इस प्रकार से आना है। तो देखेंगे।
ये भी 3 से 4 बार करना है, इनहेलेशन करते हुए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब ये नेक के जो हमारे यहाँ पे नर्व हैं, ये नर्व पूरे मस्तिष्क में गए हुए हैं, मस्तिष्क से जुड़े हुए हैं। हम जो भी विचार करते हैं, जो भी मंत्रणा करते हैं, जो भी कुछ करते हैं हमारे जीवन के लिए, वो सारा हम अपने माइंड से डिसीजन लेते हैं। तो यदि ये नर्व यहाँ की यदि प्रॉपर एक्टिव रहे, तो हमारे जो डिसीजन हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारा जो भी कुछ हम करते हैं, वो हम प्रॉपर तरीके से करेंगे। मतलब ये एक पॉजिटिविटी है, तो इसका ध्यान रखें और इस प्रकार से करें। अब ये करने के बाद में ये हमारे शोल्डर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये नर्व जो है इन शोल्डरों से कनेक्टेड रहती है। तो इसके लिए भी इस प्रकार से करना है, 10 बार करना है। ये भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10-10 बार करेंगे। इसमें आप नॉर्मल ब्रीथ ले सकते हैं, वैसे इसमें भी ब्रीथ का टेक्निक है, लेकिन इतनी आवश्यकता नहीं है, आप नॉर्मल ब्रीथ भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको 10 बार करना है। अब इसको रिवर्स भी करना है। तो इस प्रकार से करना है। तो आज की जो मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन है, वो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ मेरा वीडियो शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और आगे मैं इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो बनाते रहूँगा जो आप लोगों को मिल सके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।